जय श्री श्याम, मैं हूं विशाल गोयल। इस समय मौजूद है हम राजस्थान के सीकर जिले के अंदर खाटू श्याम जी के भव्य धाम के अंदर। इधर खाटू श्याम जी का धाम है और ये जो पीछे कुंड देख रहे हो, ये श्याम कुंड है और ये श्याम कुंड का पवित्र जल है। पीछे तस्वीर से आप जो देख रहे हैं, श्याम कुंड इधर है। श्याम कुंड का पवित्र जल अभी तक अब जो खाटू श्याम धाम के अंदर आए होंगे उन्हें श्याम कुंड के बारे में जानकारी होगी। अगर आपको जानकारी नहीं, श्याम कुंड के बारे में बता देते हैं। ये वही श्याम कुंड है जहाँ पर खाटू श्याम जी का यानी कि वीर बर्बरी का जो शीश प्रकट इस स्थान पर हुआ था, जो पीछे सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। अब आप पीछे देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर एक श्याम कुंड भक्त यहाँ पर हर रोज आते हैं दर्शन करने के लिए। और अभी रात्रि का समय है, स्नान लगभग का समय बंद कर दिया जा चुका, उसके बाद हम आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर। खाटू वाले श्याम प्रभु के शीश का प्रगट स्थल यही श्याम कुंड माना जाता है और कुंड से वीर बर्बरी के शीश ने श्याम रूप में अवतार लिया था। इस कुंड की महिमा अनंत है, अपार है, इसका जल अमृत तुल्य है। इस कुंड के नीर में अद्भुत शक्ति विद्यमान है। श्री श्याम कुंड के साथ हमारी आस्था के अटूट भाव जुड़े हुए हैं, इस प्रकार की सूचना यहाँ पर लिखी हुई है। खाटू श्याम जी का जो शीश यहाँ श्री श्याम कुंड के अंदर प्रकट हुआ था, उसके बावजूद एक खाटू श्याम जी का ठीक यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक भव्य मंदिर, 50-100 मीटर की दूरी पर खाटू श्याम जी का एक भव्य मंदिर इस स्थल पर, इसी जिले के अंदर, इसी भूमि पर बनाया गया है। तो शीश के दानी तभी से खाटू श्याम जी का नाम पड़ा कि तीन बाणधारी के नाम से भी लोग जानते हैं, शीश के दानी के नाम से भी जानते हैं। एक अद्भुत महिमा है खाटू श्याम जी के मंदिर की, उसी को लेकर एक जिसको दर्शन करने के लिए भक्तजन पूरे भारत से, विदेशों से खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। वो तस्वीरें इसमें आप देख रहे हैं जो कि शीश के दानी खाटू श्याम जी का, जहाँ से खाटू श्याम जी का शीश प्रकट हुआ था, उसके बाद जहाँ पर स्थापित खाटू श्याम जी के दर्शन का एक मंदिर, भव्य मंदिर वहाँ पर बनाया गया, उसके पास शीश को स्थापित करके इस कुंड के अंदर, पवित्र कुंड के अंदर स्नान कर भक्त अपने आप को पुण्य के भागी मानते हैं। और एक अद्भुत इस कुंड की महिमा, इस जल की महिमा भी इतिहास के अंदर बनाई गई है। कुछ औरों से हम बातचीत इस समय इसको लेकर हम करेंगे, इस विषय को लेकर इसी के आइए पंडित जी से बातचीत करते हैं। पीछे आप प्रतिमा देख रहे हैं कि खाटू श्याम जी की एक भव्य तस्वीर के आप दर्शन कर रहे हैं। श्याम कुंड की तस्वीरें आपको अब दिखाई, श्याम कुंड के स्थल पर ही जहाँ पर श्याम, यहाँ खाटू श्याम जी का शीश प्रकट हुआ था, वहीं की तस्वीर है। और एक ऐतिहासिक पवित्र स्थल इस भूमि को माना गया है। पंडित जी से श्याम कुंड के बारे में बातचीत करते हैं। पंडित जी जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। श्याम कुंड की एक अपने आप में ऐतिहासिक महिमा है, उसका ऐतिहासिक इतिहास के अंदर भी एक विशेष स्थान दिया गया है खाटू श्याम जी के धाम को। क्या कुछ श्याम कुंड के बारे में आप इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे? बाबा की प्रतिमा यहाँ से प्रकट हुई है जी, और स्थापना बड़े मंदिर है ना वहाँ मार्केट में, वहाँ स्थापना हुई बाबा की। तो इसको लेकर इतिहास में चर्चा आती है, कितने वर्ष पहले यहाँ पर इस चीज को पाया गया? 375 साल पहले, लगभग 375 साल पहले। तो इसी श्याम कुंड के अंदर जो यहाँ बना हुआ, वहीं पर श्याम बाबा की प्रतिमा, हाँ जी, उसके बाद मंदिर, भव्य मंदिर वहाँ पर बना, जोधपुर नरेश ने आके मंदिर बनाया था यहाँ जी। हारे का सहारा कहा जाता है श्याम बाबा को, सबको जो हार कर आते हैं और जीत कर इधर से जाते हैं। क्या कुछ जो बाबा जो चारों तरफ से हार जाता है आदमी जी, थक जाता है वो, कहीं से कोई चारा नहीं है तो बाबा उसे सहारा देते हैं जी। फागुन के मेले में एक बड़ा महोत्सव यहाँ पर होता है, बड़ा मेला होता है, कितने भक्त जन आते हैं कि उस दौरान की क्या स्थिति रहती है? लाखों आदमी आते हैं उस टाइम जी। बाबा की वहाँ पर स्थापना हुई थी, उसी दिन का पर्व मनाया जाता है ये, उसी दिन मूर्ति को स्थापित किया गया था, किया गया फागुन के महोत्सव के अंदर। और कार्तिक की शुक्ल पक्ष एकादशी आती है जिसे देव उठने ग्यारस बोलते जी, उसी दिन बाबा प्रकट हुए थे यहाँ से जी। तो जन्म महोत्सव अभी वर्तमान में 3-4 दिन पहले मनाया गया जी, बिल्कुल। तो खाटू श्याम जी का राजस्थान के अंदर सीकर के अंदर ये धाम है, ऐतिहासिक धाम, लाखों भक्त पूरे भारत से दर्शन करने के लिए आते हैं। यहीं से खाटू श्याम जी प्रकट हुए थे, उनका शीश प्रकट हुआ था, उसके बाद यहीं पर स्थापित की गई एक भव्य मंदिर यहां पर बनाया गया खाटू श्याम जी का। श्याम कुंड की तस्वीरें हैं, इस समय आप इस तरफ दिखाएं तो बजरंग बली जी का एक मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। शाम के समय हम आए हैं बातचीत इनकर कर से, रिपोर्टिंग की इजाज़त लेके। अभी लगभग भक्तजन अधिकतम संख्या में चले जा चुके हैं, दर्शन करने के बाद जा चुके हैं, उसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं पर पंडित जी से और आपको मिलाते हैं आगे। श्याम कुंड के दर्शन आप कर रहे हैं, जहाँ से खाटू श्याम जी का, उनका पूर्व में बर्बरिक वीर बर्बरिक का जो शीश यहीं से प्रकट हुआ, उसके बाद उनका एक बड़े मंदिर के अंदर शीश को स्थापित किया गया, एक भव्य मंदिर खाटू श्याम जी का बनाया गया। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा,
तीन बाणधारी उनके नाम से उन्हें दुनिया पुकारती है, जो हार कर इस दरबार में आता है लेकिन जीत कर जाता है। महाभारतकालीन युद्ध के अंदर भी इतिहास के अंदर चर्चा आती है कि वीर बर्बरिक ने उस समय वचन दिया कि जो भी युद्ध में हारता हुआ नजर दिखाई देगा उसी के साथ उसी के समर्थन में वो खड़े होंगे, उसी के समर्थन में युद्ध लड़ेंगे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी की महिमा अपरंपार है, उन्हें भविष्य का पता था, तो उसी को देखते हुए उनके उन्होंने अपने शीश का दान कर दिया और तभी से शीश दानी नाम पड़ा। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने नाम अपना नाम उनको दिया और खाटू के साथ श्याम लगा, खाटू श्याम के नाम से पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जाने लगा। तो अद्भुत नज़ारा यहाँ का है, हमें भी आकर बहुत एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अद्भुत नज़ारा यहाँ का है, आप भी आइएगा। अभी तक अगर आपने खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं किए तो इसी पवित्र स्थल से खाटू श्याम जी का शीश प्रकट हुआ था, एक दर्शन कीजिए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हार कर जरूर हम आए हैं लेकिन जीत कर जाएंगे, ऐसी उम्मीद लाखों भक्त यहाँ पर लेकर आते हैं। अनुराग शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, मैं हूँ विशाल गोयल। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए असंत से खाटू धाम आए थे युवा भारत असंत, आप देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।